हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राम राम। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं हूँ अभी रेवाड़ी में। मैं यहाँ पे आज आपको दिखाने आया हूँ जो हमारे पहले की जो स्टीम इंजन थे उसका लोको शेड, जो अभी भी रेवाड़ी में है और उसके इंजन वगैरह अभी भी यहाँ पे ऑपरेट होते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, तो वो जो भी ऑपरेट होते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं कैमरा आपको बैक करके दिखाता हूँ। हमने लिया पूरा पैकेज जो हमें पड़ा 200 रुपये का। तो ऐसा है कुछ एंट्री गेट, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है और ये है यहाँ का एंट्री गेट और ये है वेट लिस्ट अंदर जाने के लिए। अगर आप सिंगल एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। और ये है पूरा पैकेज का, पैकेज 200 रुपये बड़ों का और छोटों का 105 रुपये। ऐसा है, ये देखिए आप। सबसे पहले हम जा रहे हैं टॉय ट्रेन के लिए, क्योंकि अच्छी लगा हम लोग आ हो गए हैं लेट। अभी टाइम हो रहा है 4:45 हो रहे हैं और 4 बजे ये बंद हो जाता है। तो कह रहे हैं बाकी चीज़ें खुली है, टॉय ट्रेन आप पहले कर लो क्योंकि टॉय ट्रेन बंद हो जाएगा। और यहाँ पीछे की तरफ रेवाड़ी का जंक्शन है, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का, और ये रेवाड़ी का ओल्ड जो पहले स्टीम वाले लोको इंजन चलते थे उसका शेड है। ये देखिए, ये आपके सामने एक शेड, और ये कोई डमी नहीं है, ओरिजिनल इंजन है। ये सामने इन सब का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये देखिए, तो इसका भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। देखिए इसकी कुछ पार्ट्स वगैरह खोल के रखे हुए अंदर। ये एक और लोको स्टीम इंजन। इसका भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है और इसमें भी ऐसी कोई पार्ट्स वगैरह है जो ऐसी ही ओपन रखे हुए। तो देखिए कुछ ऐसा है ये पूरा लोको शेड। मैं आपको आगे छोड़ दिखाता हूं। ये है छोटी सी टॉय ट्रेन, इसका एक जंक्शन बना है गाड़ी, हरसुदू जंक्शन। ये है, तो दोस्तों ये है टॉय ट्रेन। और ये देखिए इसकी छोटी छोटी पटरी है, कितनी क्यूट छोटी छोटी पटरी है। इसी पटरी पर चलती है ट्रेन। चल पड़ी है अपनी ट्रेन, टॉय ट्रेन। तो गाइस अपनी ट्रेन निकल गई है, ये है टॉय ट्रेन। अपनी ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो उसमें स्टीम इंजन के साउंड की आवाज आएगी। और ये ट्रेन का पहला ब्रिज आ रहा है। अभी अपनी ट्रेन निकली है ब्रिज के ऊपर से और जो बड़े वाला लोको शेड है, लोको का जो इंजन है वो यहाँ से एग्जिट करता है बाहर, जब वो बाहर रूट पे जाता है, क्योंकि एक ट्रेन तो चलती है बाहर की तरफ। एक और ब्रिज आया हमारा अभी। ये गोल घूमने वाला टेबल जो मैंने एक बार आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिखाया था, यहाँ पे भी है। इंजन को जो रिवर्सल करते हैं उसका शेड है ये, गोल ट्रॉली बोलते हैं इसको वैसे तो। तो दोस्तों अभी अपनी ट्रेन एक टनल में जाने वाली है और ये आ गया टनल। हम चले थे गाड़ी हरसूल जंक्शन से, पहुंच चुके हैं फारुख नगर।
तो दोस्तों टॉय ट्रेन में बड़ा मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ट्रैक देखिए कितने छोटे छोटे थे इसके, ये देखिए। तो चलिए आपको पहले दिखाते हैं म्यूज़ियम, उसके बाद घुमाते हैं पूरा आपको शेड। ये पहले के टाइम के ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स, ये छोटे स्टीम इंजन का एक वो है मॉडल, अंतिम सितारा। और देखिए इस ट्रेन के ऊपर भी असली का कोयला है, ये रियल कोयला है। और ये कुछ झलक स्टीम इंजन की। तो मैं आपको सारी इमेजेस नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं एक फ़ोटो आपको दिखाने लग गया रुक के तो पूरा व्लॉग यहीं पर ही एंड हो जाएगा। तो आप भी खुद आइए यहाँ पे और आके इसको एक्सपीरियंस कीजिए खुद से आके, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये वैक्यूम होस पाइप पहले वाले इंजन के ट्रेनों के। ये सारी इंजन से रिलेटेड ही है सारा सामान का, जो जो चीज़ें इंजन में लगा करती थी। तो ये वाली जो आप ट्रेन देख रहे हो ये आज चलाई थी, ये महीने में दो बार चलती है। देखिए इसमें कोयला वगैरह भी रखा हुआ है। तो एक्चुअली हम लोग लेट हो गए थे तो हम तो इसको चलते हुए देख नहीं पाए। चलिए अब आपको घुमाते हैं लोको शेड। तो चलिए आपको मैं एक स्टीम लोकोमोटिव के अंदर लेके चलता हूँ। तो अंदर से ऐसा है कुछ शेड, तो अंदर से कुछ ऐसी है। देखिए ये इसका कुछ स्ट्रक्चर अंदर का, पाइप वगैरह और पूरा जो चीज़ है। अभी हम आपको कहीं और लेके जा रहे हैं, ये आपको लोकोमोटिव हम बाद में दिखाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लगी मेरे को ट्रेन सिमुलेटर, मतलब इसमें ये है कि हम खुद ही ट्रेन चलाने का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आगे की तीनों साइड पे वो लगी हुई है, क्या कहते हैं, LED लगी हुई है। ये देखिए ये हमारी ट्रेन अभी चल चुकी है यहाँ से। और इस साइड में ये एक देखिए, यहाँ से हम ट्रेन को बाहर चलते हुए देख रहे हैं। तो ये ट्रेन हम चला रहे हैं, काफ़ी स्पीड में कर दी हमने ट्रेन चलाते जाते। और ये देखिए दूसरी साइड से भी पूरा ऐसा फील हो रहा है, इस पर खड़े ऐसा फील होता है कि हम ट्रेन चला रहे, क्योंकि इसमें प्रॉपर एक साउंड फील और प्रॉपर ट्रेन हिलते हुए फील हो रही है।
और हमें एक रस्सी है, रस्सी से जैसे हॉर्न बजाते हैं तो आगे रस्सी की तरफ हॉर्न बजता है, और नीचे की तरफ एक चिमनी है उसमें हम जो कोयला डालने वाला फावड़ा होता है वो अंदर करते हैं। तो हर 15 सेकंड में हमें उसमें वो एक सेंसर लगा है उससे हमें कनेक्ट करना होता है जिससे ये ट्रेन स्पीड पकड़ती है, अदरवाइज ये स्लो होती जाएगी। ये मुझे सबसे बेस्ट लगी यहाँ की। यहाँ पे बहुत सारे स्टीम इंजन खड़े हुए थे अंदर, मतलब अभी खड़े हैं, कुछ में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कुछ ठीक हो चुके हैं, मेंटेनेंस वगैरह यहाँ होती रहती है इनकी। देखिए इस पर लिखा हुआ इंजन पर चढ़ना मना है क्योंकि लोग इस पर चढ़ जाते हैं और फिर इनका जो काम है थोड़ा वक्त तो ख़राब होता ही है, डिस्टर्बेंस होती है। ये है वो पाइप जिनसे इन पे प्रेशर आता है और फिर ये व्हील चलता है जो हमें बता रहे थे अंदर। ये देखिए अंदर से इनके सस्पेंशन। और चलिए मैं आपको एक और दूसरा इंजन दिखाता हूँ जो पूरा आगे से खुला हुआ है, उसमें देखिए कितने सारे पाइप लगे होते हैं। ये है इनके अंदर के प्रेशर पाइप जो हमें वो दिखा रहे थे अंदर से, तो उसका मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, पूरी डिटेल कैसे ऑपरेट होता है क्या होता है उसका पूरा वीडियो मैं अलग से आपके लिए मेरे चैनल पर डालूंगा। और ये जो पाइप देख रहे हो इनमें से इन इंजन के अंदर ऊपर टैंकी में पानी भरा जाता था। पहले के टाइम पे इनमें से पानी भरा जाता है इंजन में, जो बता रहे थे इनमें ऊपर की तरफ कोयला होता था और नीचे की तरफ इस ये नीचे वाले हिस्से में पानी होता था और इतने में कोयला होता था। पहले पार्ट को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको अगले पार्ट पे।